हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एक हमारे न्यू वीडियो में। और अभी हम लोग आ चुके हैं कोलकाता रथ यात्रा के अंदर। और दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं, मैं अभी जा रहा हूं सीधे टेंपल में, जहां पे जगन्नाथ जी को रथ से कैसे लेके आया जाएगा और कैसे लेके आएंगे, वो आपको सारा इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो के आप लोग एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। और
तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमने मंदिर में जितने भी मूर्ति हैं तीनों जगन्नाथ जी की रख दी गई है। और अब हम लोग आ चुके हैं पंडाल के अंदर, जहां पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है। पहले दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, यहां पर शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक मेला लगता है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमें यहां मिलता है महाप्रसाद, जो कि है हमारा खिचड़ी। यहां से आप पैक करके घर लेके जा सकते हैं, जो हमें भोग मिलता है जो आप घर लेके जा सकते हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं उनके लिए। और यहाँ पर आप साइड देख सकते हैं, ये है हमारा शॉप। इसमें आपको भगवान के सारे चीज मिलेंगे, आपको मूर्ति मिलेगी, चिरागी है, मतलब सारे आपको धूप बत्ती है, घी है, और आपको एक से एक खूबसूरत दोस्तों श्री कृष्ण जी की, राधा जी की आपको मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। मेरे सामने देख सकते हैं ये कितनी सुंदर मूर्ति है कृष्ण जी की और राधा जी की, सामने देख सकते हैं हमारे। और इसमें आपको कपड़े भी मिलेंगे, जो आपको जगन्नाथ जी का और कृष्ण जी का कपड़े देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये शॉप बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये 7 दिन रहेगा आपको, आज पहला दिन है, आप लोग आइए। आपको कैसे आना है आपको पहले बता दिया गया है। और मैं बता दूं, जब पंडाल के अंदर आएंगे तो आपको लाइन से बहुत सारे आपको स्टॉल देखने के लिए मिलेंगे। इन स्टॉल में अलग अलग तरीका से कुछ कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, आप लोग आइए और इस सारे जगह का आनंद लीजिए। और इसके ठीक सामने ही आप लोग रथ हैं, रथ के परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के लिए आपको प्रभु जी बताएंगे सब कुछ, आपको कैसे परिक्रमा करना है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, आपको रथ की परिक्रमा प्रारंभ होती है। यहाँ पे आपको प्रभु जी एक माला देंगे, जिसमें आपको एक मंत्र जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये आपको 108 बार मंत्र है इसका जाप करना है और आपको रथ की परिक्रमा करना है। मैं बता दूं दोस्तों, आप इस चीज को अगर करते हैं सुबह शाम, तो आपके मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस जगह आइए, ये बहुत ही अच्छा जगह है, हमारे कृष्ण जी का ये वृंदावन है, हमें बहुत बढ़िया लगेगा। और सामने काफी बड़ा